जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2021 के बारे में, जो कि आपका फीमेल कांस्टेबल का एडमिट कार्ड है। बट यहां पर दोस्तों आपको सुबह से सुनने को मिल रहा होगा कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, बट मैं आपको बता दूं कि अभी ऑफिशियली आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। बट ये भी सच है कि आपके एडमिट कार्ड कभी भी आ सकते हैं, आज रात यानी कि 12 सितंबर रात बजे तक भी आ सकते हैं, यानी कि 11-12 बजे के आसपास, या फिर कल तो आपके एडमिट कार्ड आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको, चाहे आपने इस वीडियो को 12 सितंबर के बाद वॉच किया है, मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने का ऑफिशियल प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा किसी भी माध्यम से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे, तो आप ये भी चिंता मत कीजिए कि हमारे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि डाउनलोड अभी किसी के भी नहीं हुए हैं। तो अगर आप यहां पर अपने एडमिट कार्ड को मेरे द्वारा भी डाउनलोड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी, ये आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप यहां पर हमारी जो ऑफिशियल पोस्ट है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, जहां पर आपको डाउनलोड लिंक दिए गए हैं, आप यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आपको जो लिंक फॉलो करने हैं इनका प्रोसेस तो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये उसके पहले आप ये जान लीजिए कि आपको अपनी डिटेल मुझे कैसे सेंड करनी है। तो आपको नीचे आना है, नीचे आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना वही नाम एंटर करना है जो कि आपने फॉर्म फिलअप करते समय इस्तेमाल किया था। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है जो कि वैलिड होनी चाहिए। फ़ोन नंबर में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देना है, जहाँ पर मैं आपको आपके एडमिट कार्ड का PDF सेंड करने वाला हूँ। और आपसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिया जाएगा। और जितनों का भी हो पाएगा, जैसे ही एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दे सकूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैसेज के अंदर अपनी लॉगिन आईडी और जो भी आपका पासवर्ड है वो जरूर रूप से देना है। कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि सिर्फ मैसेज के अंदर अपना नाम लिख देते हैं या फिर कुछ भी लिख देते हैं, यानी कि वो अपनी रियल जानकारी और जो पूरी जानकारी है वो नहीं देते, जिस वजह से फिर उनका एडमिट कार्ड में उनको सेंड नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कमी रख देते हैं। इसलिए आपको अपनी लॉगिन आईडी जो कि वैलिड हो और आपका पासवर्ड जो कि आपने क्रिएट किया था अपना अकाउंट बनाते समय, ये सब जानकारी आपको फिल करने के बाद मुझे सबमिट कर देनी है। उसके बाद मैं आपको PDF के रूप में आपका एडमिट कार्ड या आपकी ईमेल आईडी या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दूंगा। या फिर अगर आप यहां पर ये जानकारी नहीं भेज सकते, तो आप Instagram के ऊपर भी अपनी जो लॉगिन आईडी है एंड पासवर्ड है वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको आपका एडमिट कार्ड का PDF सेंड कर दूंगा। तो ये तो हुई आपके उस प्रोसेस की बात जो कि अगर आपसे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। बट अगर आपको खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये आपका जो डाउनलोड लिंक है मैंने यहीं पर हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया है। आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड ये जो लिंक है ये ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, यहां पर आपको अपना पासवर्ड डालना है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था। अभी लॉगिन तो आपका हो जाएगा डायरेक्टली जब आपकी जानकारी सही होगी साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद। बट उसके पहले बात मैं उनके लिए भी कर लूं जो कि अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो उनको क्या करना है, उनको यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपके पास लॉगिन आईडी है या फिर मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल लॉगिन आईडी है तो ये सिलेक्ट करके यहां पर अपनी लॉगिन आईडी एंटर करके गो के ऊपर क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर है वही जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो वाला, तो आपको मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है और यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करके गो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मैसेज के माध्यम से आपकी जो लॉगिन आईडी है एंड पासवर्ड है उसकी जानकारी सेंड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल ये भी होगा कि सर हमारे पास ना तो लॉगिन आईडी है ना ही मोबाइल नंबर है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, या फिर कभी कभी ये ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव नहीं होता, तो आपको अपनी वो ईमेल आईडी चेक करनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यूज की थी। वहाँ पर भी आपको जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड की जानकारी सेंड की गई होगी, इसलिए आपके पास एक दूसरा ऑप्शन वही है आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को कलेक्ट करने का। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अब जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन
लॉगिन कर लोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरे पास एक कैंडिडेट की ये लॉगिन आईडी थी जो कि पहले जब एडमिट कार्ड आए थे उस वक्त की। तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डाउनलोड एडमिट कार्ड का लिंक है वो एक्टिवेट देख पाओगे, जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है। उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। कुछ लोग आपको यहाँ पर एक दूसरा वे ये बताते हैं एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का, कि आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है अपनी लॉगिन की जानकारी से। और लॉगिन करने के बाद आपको क्या कहा जाता है, आपको यहाँ पर मैंने ये हमारी वेबसाइट के ऊपर भी बताया है, जो कि एक अनऑफिशियल वे है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का। दिए गए टाइम से पहले आपको पहले लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको बोला जाता है कि आपको ये लिंक ओपन करना है अपने एडमिट कार्ड को जनरेट करने के लिए। बट इसमें क्या होता है, कभी कभी तो एरर आता है और कभी कभी आपका एडमिट कार्ड तो आपके सामने होता है, बस उसमें जानकारी कुछ भी नहीं आती, यानी कि ब्लैंक सो होता है, जैसे कि नाम के सामने नाम नहीं होता, कभी कभी बस एग्जाम डेट दे दी गई होती है, फोटो नहीं होता है, सिग्नेचर नहीं होता है और अन्य जानकारी भी नहीं होती, इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं। तो ये प्रोसेस भी आप तभी फॉलो कर सकते हैं जब आपका एडमिट कार्ड ऑफिशियल वे में आए और वेबसाइट का सर्वर डाउन हो, तब जाकर के आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि इस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अभी तो फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिल्कुल भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। जैसे ही आएगा, भले ही वेबसाइट का सर्वर डाउन हो, तो वो भी आपको बताया जाएगा, तब भी आपके सामने ऐसा बोला जाएगा कि सर्वर डाउन है या वेबसाइट ओपन नहीं होगी, बट अभी के लिए एडमिट कार्ड नहीं आया है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे डाउनलोड करना होगा, जब आ जाएगा तब भी आपको यहीं से डाउनलोड करना होगा, और अभी नहीं आया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आ चुका है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जो प्रोसेस मैंने आपको जानकारी सेंड करने का बताया है, जिससे कि आप मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सके, तो वो भी आप यहां पर मेरे साथ जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको पूरी जानकारी रियल वे में दे दी है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब इसका एग्जाम होगा तो मैं आपके लिए सोल्ड पेपर की एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। एग्जाम होने के कुछ टाइम बाद ही मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आप एग्जाम दे रहे हो रियल में, तो आप इस चैनल को फॉलो करके, सॉरी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो, क्योंकि आपका एग्जाम मे बी 18 और 19 सितंबर 2021 को होने वाला है। अगर जानकारी पसंद आई है तो एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।